बच्चों नमस्कार। बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में आपको, ये दोनों एक ही बात है, परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक एक ही बात है। परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसमें अंतर आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बड़ा ध्यान से समझना। और इससे जुड़ा हुआ मैं आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी समझाऊंगा, लेकिन जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखिए, संख्या और क्रमांक एक ही बात है। परमाणु, परमाणु है, इसका नाम यह है परमाणु, यानी परमाणु से जुड़ी हुई संख्या परमाणु संख्या है, और परमाणु क्रमांक भी वही है। तो हमको ये समझना है ये परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये एक ऐसी संख्या जो परमाणु जुड़ी हुई है। लेकिन ये कौन सी संख्या होती है, इसको समझिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभि में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। बहुत ही आसान है बच्चों, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक परमाणु होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटोनों की संख्या होती है नाभिक में, वही उस परमाणु की संख्या कहलाती है या उस परमाणु का क्रमांक कहलाती है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया, यानी सीधी सी बात है, प्रोटोनों की संख्या, यानी एक परमाणु के अंदर जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से, यानी कि इंग्लिश का जो लेटर है, कैपिटल लेटर जेड से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको, ये इसका सिंबल होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो हमारा परमाणु है वो उदासीन होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि उसके ऊपर ऋणावेश होता है, और जो हमारा प्रोटोन है उसके ऊपर धनावेश होता है। इसलिए जो हमारा परमाणु है वो उदासीन होता है। इसके अलावा क्या है, इसीलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटोन होते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम परमाणु को उदासीन भी कहते हैं। ठीक है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी प्रकार का इसके ऊपर आवेश नहीं होता। तो एक चीज़ आपको समझनी है बड़े ध्यान से, क्योंकि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उसके नाभिक में उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बाहर जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई, ये हो गया हमारा परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है, जो प्रोटोनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। इसके दो नाम है, परमाणु संख्या बोलो या परमाणु क्रमांक बोलो। ठीक है, अब हम आते हैं द्रव्यमान संख्या पे। द्रव्यमान संख्या, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान मतलब उस पूरे के पूरे जो परमाणु है उसका एक द्रव्यमान होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमने मॉडल बताया आपको, रदरफोर्ड का मॉडल बताया, कि जिसमें क्या बताया, उसमें ये बताया था कि जितना भी द्रव्यमान होता है पूरे के पूरे उसका, किसका, परमाणु का, वो कहाँ पे होता है, वो सारा का सारा नाभिक में होता है, यानी नाभिक के अंदर पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान जो है विद्यमान रहता है। तो इसीलिए जब ये बात कर रहा है द्रव्यमान की, तो नाभिक की बात यहाँ पर, वो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए उनकी संख्या की बात होगी। यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखिए, प्रोटोन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में उपस्थित होते हैं, किसके, परमाणु के, उन दोनों की सम्मिलित जो संख्या होती है वही बच्चों कहलाती है द्रव्यमान संख्या। किसकी, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि हमको ये लिखना हो तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, परमाणु की प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए, एक तालिका दी गई है, उसके अंदर जो है तत्व का नाम दिया गया है, परमाणु संख्या दी गई है, द्रव्यमान संख्या दी गई है। इसको ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जो है उसकी कई बार एकदम डबल हो जाए, जैसे परमाणु की जो परमाणु क्रमांक है उसकी डबल होती है लगभग, जो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक की या परमाणु संख्या की डबल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे तत्व हैं जिसमें डबल ना होके कुछ थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक प्रोटॉन है, तो इसमें जो हाइड्रोजन, यहाँ देखिए परमाणु संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, एक होती है नाभिक में, और इसीलिए यहाँ पे आपकी जो परमाणु संख्या है वो एक दी गई है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या होती है, तो प्रोटोन एक हो गया, न्यूट्रॉन इसमें जीरो है, है ना, इसलिए इसकी संख्या क्या हो गई, यहाँ पे बिल्कुल ही एक ही हो गई। अब देखिए यहाँ पे हीलियम, हीलियम में कितने परमाणु हैं,
इसमें परमाणु संख्या कितनी है? दो इसकी परमाणु संख्या है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी है? दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसकी चार हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है? आठ होती है परमाणु संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं इसमें? आठ होते हैं, ठीक है। इसीलिए द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? आठ प्रोटॉन है, आठ न्यूट्रॉन होते हैं इसमें, तो ये आपकी 16 हो गई। सोडियम में क्या है? 11 इसकी परमाणु संख्या है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें भाई? 11 है, लेकिन यहाँ पे 23 हो गई। देखिए मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे 11 हमारे क्या है? प्रोटॉन है, और 12 क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसी प्रकार लेड की कितनी है? 82 है, 82 इसकी देखिए 208 हो गई, यानी कि यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए। यानी 82 को यदि डबल करेंगे 164 होता है, लेकिन 164 से भी कितना ज़्यादा न्यूट्रॉन इसके अंदर हो गए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कई बार प्रोटॉन की संख्या के बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए समस्थानिक क्या होते हैं इसको समझिए। समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? ये एक्चुअली किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान रहती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई परमाणु संख्या, यानी प्रोटोनों की संख्या समान रहती है, परंतु जो द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न हो जाती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी कि एक ही तत्व के दो परमाणु या तीन परमाणु ऐसे होंगे जिनकी परमाणु संख्या सबके बराबर रहेगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या अंतर आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या अंतर आने का मतलब क्या है? कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो वेरी करती चली जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन होता है उसको तीन समस्थानिक हैं उसके। एक प्रोटियम है बच्चों, एक ड्यूटेरियम है, तीसरा ट्राइटियम है। देखिए इसमें क्या है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में इन तीनों समस्थानिक के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? भिन्न भिन्न हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तीनों में क्या है? एक ही है। तो प्रोटॉन की संख्या जब एक ही है तो इनका जो परमाणु क्रमांक क्या होगा? सबका एक ही होगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक, देखिए आप यहाँ पे सबका परमाणु क्रमांक तो एक है, लेकिन इसमें एक दो तीन ये क्या दिखा रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या दिखा रहा है। यानी जो एक दो तीन इसमें लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये न्यूट्रॉन की संख्या है, और जो नीचे यहाँ पे लिखा जाता है वो लिखा जाता है इसमें प्रोटोनों की संख्या, लेकिन वो लिखा नहीं है इसमें, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि एक ही है सभी का। तो परमाणु संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ प्रोटोन की संख्या, यानी कि जितने प्रोटोन है वही उसकी परमाणु संख्या, तो एक एक हो गई। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटोन तो सब में एक एक है, लेकिन न्यूट्रॉन के तो इसमें जो है प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है ना। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों? क्योंकि एक तो प्रोटोन है यहाँ पे पक्का है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है, तो इसलिए क्या हो गया? एक। यानी कि इसका जो द्रव्यमान संख्या एक हो गई। और ड्यूटेरियम में क्या हो गया? ड्यूटेरियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या एक है बच्चों, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भी एक है, इसीलिए इसका द्रव्यमान संख्या दो हो गई। और ट्राइटियम में क्या हुआ? ट्राइटियम के अंदर बच्चों देखो परमाणु संख्या एक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हुआ? क्योंकि देखिए एक तो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पे तीन लिखी हुई है। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन की संख्या ये है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है, तो बराबर बराबर है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? प्रोटियम में जीरो, ठीक है, ड्यूटेरियम में एक, और ट्राइटियम में दो। तो इस प्रकार से बच्चों ये था आपका क्या पूरा का पूरा समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं? ये एक तरह के एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, लेकिन इनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिसका उदाहरण हमने एक आपको दिया, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। एक में क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है प्रोटियम में, और ड्यूटेरियम में एक है, और ट्राइटियम में दो है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा समझाया। अब आयन कैसे बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए आयनों का बनना। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये आपने जाना तीन तत्वों से मिलकर बनते हैं, तीन तत्वों यानी तीन अवयवी तत्वों से मिलकर बनते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, मतलब वो दोनों बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। देखिए जैसे कि मान लीजिए पहले से जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और इसलिए ऋणावेश होने की वजह से ऋणावेश की क्या होगी? अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? परमाणु कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कि जिस आवेश की अधिकता हो जाएगी वो परमाणु उसी तरह का हो जाएगा। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा
किसी परमाणु के पास, तो वो परमाणु के अंदर ऋण आवेश की अधिकता हो जाएगी, यानी ऋण आवेश ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि पहले मान लीजिए उस पर ऋण आवेश 17 थे, एक और आ गया तो 18 हो गए, है ना। तो और इलेक्ट्रॉन प्रोटोन 17 ही है, तो 17 प्रोटोन है और 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 18 हो गए। जब 18 हो गए तो इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसका मतलब वो पूरा का पूरा परमाणु कैसा हो गया, वो परमाणु पूरा का पूरा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो आपका ऋण आवेशित था, इसलिए पूरा का पूरा हमारा परमाणु जो है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह समझना, आगे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धनावेशित हो जाएगा। यानी यदि मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो यानी प्रोटॉन की संख्या यदि बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो वो धनावेशित हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉन की संख्या कम हो गई, तो ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कि परमाणु जो है ऋणावेशित या धनावेशित होता रहता है। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित यानी धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या तो जुड़ेंगे, या तो उससे निकलते हैं या उससे जुड़ते हैं, तो जब उससे निकलते हैं तो धनावेशित हो जाता है परमाणु, और जब उसमें मिलते हैं यानी और आके जुड़ जाते हैं, यानी उसमें और आ जाते हैं, तो वो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो ये जो आयन, यानी इसी प्रकार से आयन बन जाते हैं, यानी कि परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जुड़ते हैं तो आयनों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो दो तरह के आयन होते हैं, एक धनावेशित होते हैं, एक ऋणावेशित आयन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, यहाँ पे सोडियम और एक क्लोरीन का। ठीक है, देखिएगा, सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण ले रहे हैं, इसमें किस प्रकार से आयन बनते हैं। सोडियम के परमाणु जो होते हैं बच्चा, उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन धनावेश की अधिकता होने के कारण सोडियम कैसा आयन बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा। बच्चों यहाँ देख लीजिए चित्र में, यहाँ देखिए सोडियम का एक परमाणु दिखा रखा है आपको गोल, यहाँ बीच में क्या है, केंद्रक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपको अभी बताया है 11, तो देखिए दो अंदर वाली कक्षा में हैं, फिर उसके बाद 8 होते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 2 और 8 कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। और बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना जब दे देगा किसी और को, क्योंकि इसके पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता, क्योंकि इसके पास क्या है, बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको आसानी से किसी को दे सकता है, यानी दूसरे परमाणु को दे सकता है ये। तो ये जब किसी दूसरे परमाणु को दे देगा तो क्या होगा, ये इस तरह का बन जाएगा, ये बगल में जो आप देख रहे हैं ये वाला। जब ये ऐसा बन जाएगा तो देखिए इसमें कितना रह गया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और बाहर 8 प्रोटॉन रह गए, यानी कि एक इसमें निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसमें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 11। इसीलिए कैसा हो गया, ये एक आयन बन गया, यानी कि धनावेशित आयन बन गया सोडियम का। तो इस पे लिखा जाएगा Na+, इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है मैंने उदाहरण के ऊपर, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने से ये धनावेशित आयन बन गया। अब देखिए क्लोरीन के परमाणु में क्या होगा, क्लोरीन क्या होता है, इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का परमाणु क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18, और प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 17 ही रह गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि जो क्लोरीन होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या कहलाएंगे, क्लोरीन को ऋण आयन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा क्लोरीन था, है ना, ये क्लोरीन का परमाणु था। इस क्लोरीन के परमाणु में क्या हुआ, इसको गिनेंगे, गिनिए आप ध्यान से, अंदर बीच में केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको एक की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है, तो इसने किससे ले लिया, इसने सोडियम से ले लिया, तो सोडियम ने दे दिया और क्लोरीन ने ले लिया, तो इस प्रकार से इसके 8 के 8 पूरे हो गए क्लोरीन के आयन। तो इसका मतलब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा था और क्लोरीन के पास एक कमी थी, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को, सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया और इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा आयन बन जाते हैं। तो सोडियम का परमाणु जो ऊपर आप देख रहे थे वह सोडियम का आयन बन गया, और नीचे का जो था क्लोरीन का परमाणु वह क्लोरीन का आयन बन गया। तो इस प्रकार से सोडियम और क्लोराइड के हमने आयनों का बनना
यहाँ पे देखा किस प्रकार से आयन बनते हैं। अब ये संयोजकता भी इसी से जुड़ा हुआ है। संयोजकता क्या होती है? इस जुड़ने की क्षमता होती है, यानी कि हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन करते किस प्रकार से हैं, वो क्या करते हैं? वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, यानी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांटते हैं एक दूसरे के साथ। यानी प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता क्या होती है? निश्चित होती है। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ तो सकता है, लेकिन उसकी क्षमता निश्चित है, जिसे संयोजकता कहा जाता है। यानी साफ शब्द में यदि कहा जाए, आसान शब्द में, एक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता को उसकी संयोजकता कहा जाता है। हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानकर, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, एक प्रोटॉन है, ठीक है। ये नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक है तो इसलिए उसकी संयोजकता एक मानकर हम क्या करते हैं, अन्य तत्वों की संयोजकता जो है, संयोजकता भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। यानी हाइड्रोजन के सापेक्ष ही हम दूसरे तत्वों की संयोजकता जो है ज्ञात करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी मानते हैं, एक। अतः संयोजकता को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी परिभाषा लिखी गई है संयोजकता की। इसको क्या कहा जाता है? किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है, किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है या विस्थापित करता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में क्या कहा जाए कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या। संयोजकता मतलब एक संख्या, लेकिन वो संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी? वो संख्या ऐसे ज्ञात की जाएगी, उस तत्व का एक परमाणु या तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के परमाणुओं से संयोग करेगा। कितने? यानी उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोजकता करेगा या संयोग करेगा। तो जितने हाइड्रोजन परमाणु के साथ संयोग करेगा वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। या फिर उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित कर देगा तो वो भी उसकी संयोजकता कहलाएगी। या तो संयोग करेगा या विस्थापित करेगा, दोनों मायनों में उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। उदाहरण देखते हैं हम बड़े आसान शब्दों में। जैसे आपने यहाँ देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, एक है, क्योंकि वह अपने ऊपर भी पढ़ा था क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, एक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्लोरीन एक, यानी क्लोरीन जो यहाँ पे जो क्लोरीन था इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसने सोडियम से ले लिया, तो क्लोरीन को क्या है, ये क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्लोरीन के पास, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को दे देगा। इसका मतलब जुड़ने की क्षमता। यहाँ क्लोरीन की क्या है, कितने हाइड्रोजन के साथ वो संयोग कर रहा है, क्लोरीन कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोग कर रहा है, एक के साथ कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, एक कम है इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको क्लोरीन को दे देगा और आपस में दोनों संयोग कर लेंगे, और इस प्रकार से एक आपके अणु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, एक यौगिक के अणु का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, एक है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, भाई दो है, क्योंकि ये यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के साथ संयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, दो है। इसी तरह से और भी टेबल दिया गया, इसको देख लीजिए। हाइड्रोजन का देखिए कितनी संयोजकता होती है, एक होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो ये क्या करता है, दे देता है और मिल जाता है दूसरों के साथ। कार्बन की संयोजकता कितनी है, चार है, क्योंकि इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चार हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। सोडियम की संयोजकता कितनी है, आपकी एक है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सोडियम की संयोजकता एक क्यों है, क्योंकि एक क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके भारी कक्षा में होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, सोडियम में एक भारी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीजन की संयोजकता दो है, ठीक है। मैग्नीशियम कितनी है, दो है। कैल्शियम की कितनी, दो है। इस प्रकार से संयुक्ता क्या होती है, संयुक्ता वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों, इसको बैलेंसी बोलते हैं। और ये जो होती है, सारे के सारे जो हमारे तत्व होते हैं, उन तत्वों को हम जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर हम संयुक्ता को याद करते हैं। आप क्लास 9th 10th में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना जितना किताब में दिया गया है, अभी आप उसको समझिए, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखिए, इस पूरे अध्याय में हमने क्या सीखा, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है, मैंने परमाणु के बारे में आपको समझाया। इसके अलावा अणु कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ये बताया मैंने आपको। डाल्टन के अनुसार क्या बताया, डाल्टन साहब ने, उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, यानी कि वो आगे उसको तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु के तीन मुख्य मूल कण मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे मिलकर ये बना हुआ है।
और किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये मैंने आपको बताया, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित कक्षाओं के अंदर। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित प्रोटॉन, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन आपके कोई आवेश नहीं होता इनके ऊपर, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, मैं बता चुका हूँ अभी आपको। किसी परमाणु में प्रोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ये बता चुका हूँ, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, और जिसी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण ही समस्थानिकों का निर्माण होता है, जो मैंने आपको बताए थे हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्रोटोन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है, और किसी परमाणु की संयोग करने की जो क्षमता निश्चित होती है उसी संयोग करने की क्षमता को उस परमाणु की क्या कहा जाता है, संयोजकता कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने बच्चों इस पूरे अध्याय में सीखी, और इसी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।